हाँ जी भाई, कुछ ठीक हो गया? साइड पे चिंटू को देखने दो। चिंटू अभी बीमार ही है, अभी इसकी मेडिसिन चल रही है, अभी इसको मेडिसिन दोबारा देते हैं यार। अभी इसकी हालत ठीक नहीं है, इसको कोई मुकम्मल इसका ट्रीटमेंट करना पड़ना है। चलो भाभी बाहर आ जाओ, सारे आ जाओ बाहर, कुछ खा पी लो, जल्दी करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम लोग भी चलो, शाबाश, आ जाओ सारे, आ जाओ आ जाओ। चलो 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 चलो, दाना पड़ा भाई, इधर आके दाना खा लो। इधर ये मुर्गा फिलहाल अभी बंद रहे यार, ठीक है? तो मैं क्या हो गया यार, इसको ना मैं ऊपर बंद करके आता हूँ। चलो आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम्हें मैं ना ऊपर एकदम बंद। चलो ये भी माशाल्लाह क्रीज कर रहा है, बहुत जल्दी भी क्रीज कर लेगा फिर, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा। चलो यहाँ फिर तो रुकूँ तो फिर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों आज ना हमारा कौन सा चिंटू है, कुछ ज़्यादा ही बीमार है। अभी अंदर गया, तुम किधर जा रहे हो सारे? ये देखे ना, अभी अभी कल से ना बहुत कमज़ोर लग रहा है यार। कल तो फिर भी कुछ ठीक था, लेकिन इसकी मेडिसिन इसको मैं रेगुलर दे रहा हूँ, लेकिन अभी इसमें कोई अफाका नहीं आया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन अभी तक ना ये ऐसे ही बीमार है। और आज दोस्तों कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, तो मैंने तो अपनी तरफ से सारी की हैं कोशिशें कि यार ठीक हो जाए। है दोस्तों उसको बुखार भी पकड़ते हैं, इसका बहुत गर्म होता है, इसके सर पकड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो किसी और पूछते हैं दोस्त से कि इसको मैं क्या दूँ, ये ठीक हो जाए, आप मुझे बताइएगा इसको मैं क्या दूँ ताकि यार ये फ़ौरन ठीक हो जाए। अभी दोस्तों क्या है, मुर्गे मैंने खोल दिए, ये पे दोस्तों अब साथ फिरता ये लग गया। और वो काली मुर्गी कौन सी है ना, वो चिंटू के साथ हो गई। हालांकि चिंटू वो है इसका बच्चा, लेकिन वो उस मुर्गी ने एक्सेप्ट किया हुआ है, वो उसके साथ रखती है, और ये आपस में अलग करेगा, ये पैर बना रहे हैं। इनको भी दोस्तों खोल दिया, और उसको भी चलो खोल देते हैं यार। ये भी हमारा मुर्गा थोड़ा सा ना कमज़ोर हुआ है, मतलब कि यार इसकी मेडिसिन चल रही है। ये दोस्तों भी काफ़ी बेहतर है, ठीक है? अभी साहब बाहर आ जाए। इसको दोस्तों मसला क्या, इसको मसला रेशा बन गया था गले में, तो आवाज़ नहीं आती थी गले से। इसकी ट्रीटमेंट इसका किया, अल्लाह किया, आप देखना माशाल्लाह ये बहुत ठीक है, बहुत माशाल्लाह एक्टिव है। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह, इसके पर देखे साइड वाले कितने आ गए हैं, बिल्कुल छोटे से थे। ओए रुक 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 रुक, देखे पूँछ भी काफ़ी हद तक आ गई, ख़राब हो रही है, लेकिन पानी में मारो इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। और माशाल्लाह देखें, बहुत ही प्यारा परिंदा है दोस्तों, बहुत ही प्यारा, ये सबसे मेरा फेवरेट अब आ गया हो गया ना, ठीक है? बस वेट ये इसका ये है कि यार जल्दी जल्दी ना बस अपनी क्रीज पूरी करें, फिर ये सब बेहतर हो जाएगा। अभी पार इसके निकल रहे हैं, ठीक है? बहुत जल्द इसके पार आ जाएंगे, ठीक है? जब इसके पार आएंगे फिर ये सब बेहतर होगा, फिर हम इसको कोई इसका मुकाबला वगैरह करवाएंगे, फिर सब बेहतर हो जाएगा, ठीक है? मुकाबला भी करवाना ना इसका यार, मुकाबला इसके करवाएंगे, लेकिन अभी क्रीज में है, लेकिन क्रीज जब बेहतर हो जाएगी ना उसके बाद करेंगे, ठीक है दोस्तों? दोस्तों इस मुर्गे को ना मैं ऊपर बंद कर आया हूँ, क्योंकि दोस्तों नीचे भी रहा ना तो उसने यहाँ पर बंद ही रहना, और क्या होना, इस मुर्गे ने लड़ना तो फिर हमें रोज मसला मसाइल होना है, इसलिए मैं इसको पहले ऊपर छोड़ूंगी यार। वो ऊपर रहेगा, ऊपर फिरता रहेगा, और यहाँ पर ये हमारे मुर्गे आराम से फिरते रहेंगे। अभी दोस्तों मैं आपको कबूतर दिखाता हूँ, माशाल्लाह से हमारे कबूतरों को ना न्यू केज बहुत पसंद आया, मैं आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह से, ये देखें। और वो देखें अभी हमारे लाफे वो कबूतरी बेफा कबूतरी बैठी हुई है। हमें सबसे बड़ी टेंशन थी ना वो मुझे ये थी कि यार हमारी बेवफा कबूतरी ना जब जगह चेंज हो रहा तो अंडों को ना छोड़ ना दे, यानी कि हैचिंग करना छोड़ ना दे, लेकिन ये मसला हमारा हल हो गया, अल्लाह किया कि कौन सा है हमारे और इनको क्या हो गया, ठीक है? अल्लाह किया दोस्तों हमारी कौन सी ये बेवफा कबूतरी है ना, इसने अंडों को एक्सेप्ट कर लिया और दोबारा ऊपर बैठ गई है, और बहुत जल्द दोस्तों इसके बच्चे हमारे न्यू सेटअप पर निकलेंगे। फिर दोस्तों वो हमारे वो बच्चे सेफ भी होंगे और यहाँ पर अच्छे भी रहेंगे, रोज पीछे करेंगे, और हम जब चाहेंगे ना यहाँ पे अंदर आके उसको देख सकते हैं। मतलब दोस्तों दूसरा भी यही था, उसके अंदर हम जा ही नहीं सकते थे क्योंकि वो आगे करके अंडे थे, इसलिए अब ये बहुत बेहतर हो गया। और बाकी माशाल्लाह आप उड़ के वो ऊपर ही बैठ जाते हैं, इसके अंदर बॉक्सेस बना लेंगे, अभी हट जाते हैं यार, इनको बाहर आने देते हैं। आ जाओ भाई बाहर आ जाओ, अभी दोस्तों ये खुद ही पत्नी बाहर आती है कि नहीं आती, क्योंकि न्यू सेटअप है। आ जाओ आ जाओ, नहीं आना, नहीं आ रहे यार, न्यू सेटअप है ना, पता नहीं होता इनको यहाँ से निकालते हैं कभी। दोस्तों याद है जब हमारा ना वहाँ पे वो न्यू सेटअप ने बनाया था ना, तो हमारे को उसमें बाहर नहीं आते थे, इनको खुद निकालना पड़ता था, दो चार दिन निकाले थे ना, उसके बाद ये फिर ना खुद ठीक हो जाएंगे। चलो शाबाश निकलो, आ जाओ, चलो 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 चलो, उसको बैठे रहना तो तुम भी चलो, और तुम भी चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश, चलो शाबाश। वो उसने आना होगा दोस्तों, वो खुद आ जाएगा, वो भी एंडो में बैठी हुई है। ये निकल आए हैं बाहर, एक दो दिन दोस्तों इसको ऐसे निकालेंगे ना, फिर इनको आदत पड़ जाएगी और फिर ये खुद निकलना स्टार्ट कर देंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर चावल पड़े, देखो कितने ज़्यादा चावल पड़े हैं। ये दोस्तों ये हमारे ना उस केज के ऊपर थे, ठीक है? ये वो चावल है दोस्तों जब हमारे कबूतर ऊपर हम बिठा देते ना, तो ऊपर दाना फेंक देते थे और ऊपर जाए खाते रहते थे। ये वो दाना जो मैंने वो ना जब ये केज उतारा था ना, तो वहाँ से ये सारा गिरा हुआ है। चलो ये खाते फिरेंगे, ठीक है?
और दोस्तों हमारा ये न्यू सेटअप कौन सा है, इसका काम भी स्टार्ट हो गया तकरीबन का। रात को मैं इतना ही बना सकूं। मैंने इसके दोस्तों दो ही पार्ट किए हैं अभी तक, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट अभी दिल किया, तो इसको भी हाफ डिवाइड करने के उधर एक इधर। फिर मैं कहता हूँ यार ये छोटा ना हो जाए, इतने ही रहे, दो उससे ही बहुत हैं। अभी ये जाली आधे तौर पर लगी है, अभी इसको जाली को फिक्स करना है। छत तकरीबन दोस्तों डल चुकी है, ठीक है, और इसके ऊपर बस शीट रहती है अच्छी तरीके से, वो डालनी है, इंटे शैटों पर लगानी है, फिर इसका काम स्टार्ट कर देना और दरवाज़ा इसका रह गया दोस्तों। तकरीबन ना आज रात को जब मैं काम से वापस आऊँगा ना, उसके बाद ये स्टार्ट करना, क्योंकि अब दोस्तों एक छुट्टी पहले की हुई है, अब काम पे जाना है, तो इंशाल्लाह शाम को काम से आऊँगा ना, फिर ये काम स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह ताला। दोस्तों कल तक ना हमारा ये वाला केज इंशाल्लाह दोस्तों मुझे उम्मीद है ना ये रेडी हो जाएगा, तो फिर बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है। फिर वो कौन से हमने जो पट्टे हैं ना जो ऊपर करने थे ना, ठीक है, उनको ना यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, इस क्योंकि दो हमारे पास केज खाली होंगे, शायद वो ऊपर वाला कौन सा केज है ना, वो मुर्गा भी ना, वो भी मैं यहाँ पर ले आऊँ, लेकिन फिर नहीं, फिर भी उन्होंने डरना है यार, ठीक है, वो ऊपर ही रहे, यहाँ पर लेंगे और ये केज हमारा बिल्कुल खाली हो जाएगा, ये भी और ये भी, दो केज खाली हो जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों फिर हम लेके आएंगे न्यू बर्ड्स लेकर आएंगे, वो भी मैंने डिसाइड नहीं किया दोस्तों कौन से लेके आने हैं, अगर आप बताएं तो मुझे बहुत बेहतर आसानी हो जाएगी भाई कौन सा बर्ड्स लेके आए, क्योंकि हमारे सेटअप पर अभी सिर्फ पैरट्स हैं, उनका अलग सेटअप है, मुर्गे हैं और हमारे कबूतर है, इसके अलावा हमारे सेटअप पर कोई बर्ड नहीं है, तो सोच रहा हूँ कोई लेके आऊँ, अभी कोई समझ नहीं आ रही कौन सा लेके, मार्केट जाते इतने सारे बर्ड्स होते हैं कुछ समझ ही नहीं आती, ठीक है, कबूतरों के अलावा भी कुछ ले, कबूतर पे लेके आएंगे, कबूतरों में थोड़े हो गए, आगे सीजन आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और दोस्तों इंशाल्लाह आज शाम तक हमारा ये वाला सेटअप तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा, और कल आपको यहाँ पर बहुत अच्छी शेप मिलेगी, अभी तो देखें ना कितना गंदा बना हुआ है, ये देखें ये शीट, यही शीट उतार कर दोस्तों ऊपर लगा देंगे, तो फिर ना बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है, और कल इंशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी शेप आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर सेटअप बहुत अच्छा बन जाएगा। फिर ये खाली रह जाएगा, क्या करेंगे ये उठा के ना इसकी यहाँ पर रख देंगे, तब यार ये पार सारा कवर लगे ना, फिर ये अधूरा अधूरा लगेगा, ठीक है। अभी दोस्तों इनको दाना पानी दाना है, पानी नहीं है, पानी इनको रख देते हैं यार, कल रखा था इन्होंने फिर गिरा दिया था, इनको पानी रखते ताकि यार वो पानी पी लें, दो मटके में रखेंगे, किधर रखेंगे किधर रखेंगे, ताकि यार ये लड़े ना, ठीक है, तो पहले ना पानी रख लेते हैं, इधर आ जाओ, एक इधर डाल देते हैं दोस्तों, इधर यहाँ पी लेंगे और एक इधर डाल लेते हैं, ताकि दोस्तों ये लड़े ना, ठीक है, यहाँ पर ना आराम से पानी पीते हैं, ठीक है, अब कबूतर भी पी लेंगे और ये भी पी लेंगे, ठीक है, आराम से पीते रहेंगे, इससे ना लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। अभी जैसे हमारे कबूतर देखिए ना वहाँ और बैठे हैं ना ऊपर ही देख रहे हैं कि यार यहाँ पर हमारा सेटअप हुआ करता था, और उड़ने की कोशिश करते हैं कि हम किसी ना उड़ के ना उस सेटअप के अंदर चले जाएँ, लेकिन नहीं जा पाते क्योंकि इनके पैर नहीं है यार। चिंटू को देखते हैं, चिंटू को भी बाहर निकालते हैं, वो भी बीमार है यार, आ जाओ भाई बाहर आ जाओ, चिंटू आ जाओ, चिंटू भी आ गया, देखिए यार चिंटू हमारा काफ़ी बीमार लग रहा है, कमज़ोर लग रहा है यार, इसका कुछ करना है, ट्रीटमेंट मुकम्मल करना है, हालांकि इसको मैं सिरप भी दे रहा हूँ और मैं इसको गोली भी दे रहा हूँ, लेकिन ये नहीं हो रहा, इसके लिए आंखों का कलर भी चेंज हो गया इससे, क्योंकि यार गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये गर्मी का भी बुखार है, यहाँ पर छोड़ते हैं, देखें यार कैसे हुआ पड़ा, कितना एक्टिव था हमारा केला था यार, बस दुआ करें हमारा ये चिंटू ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे कौन सा अच्छा मुर्गे का ये बच्चा है, एक ही रह गया, अल्लाह करे यार ये ठीक हो जाए तो फिर अच्छा काम होगा, ये जब ठीक हो जाएगा ना फिर सबको दोस्तों इंशाल्लाह वैक्सीनेशन कर देंगे, ताकि यार ये मसला खत्म हो जाए बुखार वाला, ठीक है। अभी दोस्तों मौसम चेंज हो रहा है, वैसे आप देख रहे हैं हमारे चिंटू बीमार हुआ पड़ा है, तो उसको मेडिसिन देते हैं, अल्लाह करेगा यार ये ठीक हो जाएगा। बाकी दोस्तों हमारा ये मुर्गा भी वो मुर्गा भी क्रीज कर रहे हैं, और एक ऊपर वाला मुर्गा वो भी क्रीज कर रहा है, तो उनकी क्रीज का वेट है, क्योंकि दोस्तों अभी सीज़न है तो सबके मुर्गे क्रीज कर रहे हैं, तो हमारा कबूतर कहाँ गया यार, उसको उड़ाते हैं आज, वो उड़ता नहीं है, उड़ के बैठता है, उसको उड़ाते हैं, अंदर ही बैठा है, उसको पकड़ते हैं अंदर ही, यहाँ पकड़ा जाएगा आराम से, तो उसको पकड़ते हैं और ना इसको उड़ा लें, चेक करते हैं, आज काम देगा, अब इसको जगह मिल गई उड़ने वाली, ये आ गया दोस्तों, हाथ आ गया, आए ना दोस्तों, इसको ना ऊँचा उड़ाते हैं, देखते हैं उड़ता है कि नहीं उड़ता, हमारे सारे यहाँ पर ही हैं, इसको इतना ऊंचा फेंकते हैं, देखते हैं उड़ता है कहाँ जाता है, वापस आता है कि नहीं आता, भाई ये छत देख लो हमारी कौन सी छत है, यहीं पे वापस आना तूने, ठीक है मैं उड़ा रहा हूँ उसको दोस्तों, ठीक है उड़ाता हूँ, ये गया, अल्लाह अकबर, इसका कोई चंगा काम नहीं है यार, उड़ते ही नहीं है, अब देखे मैंने इतना ऊँचा फेंका फिर भी नहीं उड़ रहा, इसको ऐसे उड़ाते हैं, नहीं यार इसका मूड ही नहीं है उड़ने का, पता नहीं क्या है, उड़ो भाई उड़ो उड़ो, मैं कहता हूँ ये उड़े यार, ये नहीं उड़ देने का नाम ले रहा, पता नहीं क्या सीन है इसको,
इतना सेटअप पसंद है, उड़ते ही नहीं है, उड़ता है उड़ के बैठ जाता है। ठीक है, जो पुराने कबूतर है दोस्तों हमारे, वो उड़ के भाग भी गए हैं और ये उनके बाद है अभी तक ना, ये ऐसे ही है देखे, ये जाते ही नहीं है। इसके साथ दोस्तों एक ना पार्टनर लेके आते हैं, क्योंकि ये है फीमेल, तो इसके लिए ना एक मेल लेके आते हैं ताकि यार ये अपना पैर बनाए। ठीक है, ये भी ब्रीड स्टार्ट कर दें अपनी। ठीक है, अकेली अकेली हुई है तो फिर शायद ये उड़ना स्टार्ट कर दे, साथी होंगे ना, वो साथ उड़ेंगे ना, उनको देखिए ये भी उड़ेगा। क्योंकि बाकी ये दोस्तों हमारे कौन से कबूतर, उनके पर नहीं है, इस कबूतरी के मेरे पर बांधे में इसी उड़ नहीं पाती, और हमारा ये कबूतर उड़ लेता है लेकिन ये कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि दोस्तों इसके ना पूंछ बड़ी होती है, वजन होता है, इस वजह से ज़्यादा उड़ता नहीं है। और उसकी फीमेल दोस्तों हमारे पास है, इस वजह से ये नहीं उड़ेगा, उसको भी पार्टनर इतना ही उड़ता बस, उसको भी पार्टनर लेके आते हैं या उसको फिर उड़ाते हैं, इतनी कोशिश करते हैं उसको उड़ाने की, लेकिन यार ये उड़ते ही नहीं है। ठीक है भाई, ना उड़ो, बैठे रहो, कोई मसला नहीं है। सारे अलर्ट हो गए हैं, देखें वो भी अलर्ट देखें, और जब ये अलर्ट होते हैं ना यार, बड़े प्यारे लगते हैं। अब हमारा वो अंदर वाला मुर्गा देखें, वो भी कितना अलर्ट हो गया, ये भी सही अलर्ट हो गया और वो भी सही अलर्ट हो गया। ठीक है, अब ये ऐसे तो काम ये कर रहे हैं कि जैसे ही ना कौवा नीचे आए ना, हम इसको ना मारें, अब उड़ गया ना, अब ये सब बेहतर कम्प्लीट हो जाएंगे। तो ये ऐसे ही करते हैं यार, जब भी कोई ना कौवा आता है या कोई चिड़िया आती है ना हमारे यहाँ सेटअप पे आता है, ये सब ऐसे अलर्ट हो जाते हैं कि भरने क्या होगा, फिर पता लग जाए, बोलते भी है, फिर पता लग जाता है भाई कोई और चीज़ हमारे सेटअप पर नहीं हो आई है, इससे हमें पता भी लग जाता है कोई और चीज़ है, बिल्ली है फिर भी बोलते हैं, कौवा है फिर भी बोलते हैं, चिड़िया है फिर भी बोलते हैं, इससे ये हमें बता देते हैं भाई कोई चीज़ नया चीज़ हमारे सेटअप पर आ गई है, फिर ये सब अलर्ट हो जाता है, यानी कि अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ये मुर्गों का अच्छा काम है। ठीक है, इनका समझो अलार्म टाइप है। ठीक है, जैसे अब देखो मुर्गी अंडा देती है तो बोलने लग जाती है, ये भी इसका अलार्म टाइप है, और जब कोई परिंदा न्यू यहाँ पर आता है ना, तो ये फ़ौरन अलर्ट हो जाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। बाकी दोस्तों जब हमारा मुर्गा बहुत अंदर चला गया ना, अब इसको मस्ती जाती है, पानी गिरा दिए, बाकी ये पी रहे हैं बस। दोस्तों दुआ करें हमारा ये चिंटू कौन सा है ना, ये ठीक हो जाए, फिर सब बेहतर हो जाएगा। और दोस्तों ये जब हमारा केज बन जाएगा ना, इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा ये काम, बहुत अच्छा व्यू इंशाल्लाह आपको कल मिलेगा। दोस्तों बस कल का वेट कीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर बहुत से प्यारे प्यारे बर्ड्स लेके आएंगे। आपने मुझे लाजमी बताना कि कौन से परिंदे हम इसके अंदर लेके आए, कौन से जानवर हम इसके लेके आए, आपने लाजमी कमेंट करना है। और इंशाल्लाह ताला दोस्तों कल हमारा ये वाला सेटअप इंशाल्लाह ताला कम्प्लीट हो जाएगा। दोस्तों बस यही थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल शहर में देहाती माहौल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा, और साथ बेल आइकन को लाजमी कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि दोस्तों मुझे वीडियो आसानी आप तक पहुंची रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।